नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलटेस किचन में। आज हम बनाएंगे साबूदाना कुड़रई। साबूदाना कुड़रई बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी साबूदाना लिया है। इसे अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे। साबूदाने को अच्छे से धो लिया है। इसमें डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे और ढककर इसे रात भर के लिए रख देंगे। अभी सुबह देखते हैं, देखिए साबूदाना कितना अच्छे से फूल गया है। अभी इसे छन्नी पर डालेंगे और गिलास से रगड़ लेंगे ताकि साबूदाने का डो अच्छे से तैयार हो जाए। इस तरह से सारा साबूदाना रगड़ लेंगे। देखिए कितना अच्छा साबूदाने का डो तैयार हुआ है। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। अब कुड़ई बनाने का साँचा लेंगे, उसमें बारीक जाली लगाएंगे। आपको मोटी लगाना हो तो आप मोटी भी लगा सकते हो। इसमें साबूदाने का डो भरेंगे। और थाली में कुड़ई बना लेंगे। इस तरह से छोटी बड़ी आपको जैसी चाहिए वैसे आप बना सकते हो। साबूदाने को पकाना नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है इस तरह से साबूदाने की कुड़ई। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसे धूप में अच्छी तरह से दो दिन सुखा लेंगे। देखिए साबूदाने की कुड़ई सूखकर तैयार है। अब तेल गरम करेंगे और कुड़ई को तल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूली है और ये बहुत हल्की और नरम बनती है। इसे बच्चे भी खा सकते हैं। इस साबूदाने की कुड़ई में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है ना टाइम, बहुत जल्दी बन जाती है। इसे अच्छे से सुखा लेंगे तो ये साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से साबूदाने की कुड़ई आप भी बनाइए। बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।